Hello friends, in this video we will see Laplace transform of sin 80 and cos 80. So दोनों को सॉल्व करने के लिए एक सिंगल हम लोग लॉजिक का यूज करेंगे. सो आइए आपको मैं उस लॉजिक को बताता हूँ जिसके थ्रू हम लोग लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 80 एंड कॉस 80 फाइंड करेंगे. तो इसके लिए दोस्तों थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर का आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए. आई थिंक आप सबको डी मॉर्गस थ्योरम पता होगा एंड ऑयलर्स इक्वेशन भी पता होगी. तो यहाँ पर मैं ऑयलर्स इक्वेशन का यूज करूंगा जो कहता है बेसिकली ई रेज टू ए आई, और मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ई रेज टू ए टी टाइम्स आई इक्वल्स टू कॉस 80 प्लस आई टाइम्स साइन 80. ओके, सो ये फॉर्मूले का यूज करके फ्रेंड्स हम साइन 80 एंड कॉस 80 का लैपलास ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे. लॉजिक क्या है बेसिकली, आई विल फाइंड लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ, पहले मैं लैपलास ट्रांसफॉर्म की इक्वेशन दिखा देता हूँ. ठीक है, सो दिस इज इक्वेशन ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म. सो हेयर आई विल पुट एफ ऑफ टी इक्वल्स टू कॉस 80 प्लस I sin 80, that is e raised to at times i. दोस्तों अगर मैं लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ e raised to at i फाइंड कर लूँ और उसमें से रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट कर लूँ, तो रियल पार्ट सेपरेट करूंगा तो मुझे लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 80 पता चल जाएगा, इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करूंगा तो लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin 80 पता चल जाएगा. कैसे, देखिए प्रूफ बताता हूँ. ये f of t की जगह मैं लिखूंगा cos 80 प्लस cos 80 प्लस आई टाइम्स साइन 80. ओके, एंड दिस इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी. इस एफ ऑफ टी की जगह भी यही सेम एक्सप्रेशन लिखना होगा, बट इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ. ओके, तो मैं लिखूंगा ई रेज टू 80 टाइम्स आई इंटू वन मिनट इंटू ई रेज टू माइनस एस टी dt. ओके, मैं डायरेक्टली रिजल्ट भी यूज कर सकता था जो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया e raise to 80 वाला, बट यहाँ पर मैं आपको पूरा शुरू से प्रूफ बता रहा हूँ बिना किसी फॉर्मूले का यूज किए, मतलब प्री जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया है उसको बिना यूज किए शुरू से देख रहे हैं कैसे प्रूव करेंगे. दोस्तों ये l अंदर लेकर जा सकते हैं, आपको पता है स्प्लिट कर सकते हैं, मतलब लिनियरिटी प्रॉपर्टी के हिसाब से. तो यहाँ पर मैं लिनियरिटी प्रॉपर्टी यूज करूंगा और हम लोग लिख सकते हैं लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस 80 प्लस आई कॉन्स्टेंट है तो उसे मैं बाहर निकाल लेता हूँ, देन लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 80. ओके, सो ये यहाँ पर मैंने यूज किया लिनियरिटी प्रॉपर्टी. सो दिस इज इक्वल टू, अब ये दोनों पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे. सो मुझे मिलेगा 0 से इन्फिनिटी ई रेज टू ब्रैकेट में ए आई माइनस एस. ओके, देन कॉमन क्या निकलेगा दोस्तों, टी डी टी. सो नाउ यू ऑलरेडी नो दैट इसका जो इंटीग्रेशन है उसका आंसर क्या आएगा, ई रेज टू ए आई माइनस एस अपॉन ए आई माइनस एस देन 0 से इन्फिनिटी. तो दोस्तों इसके लिए आपको वीडियो देखनी है ई रेज टू 80 वाला, जहां पर मैंने बताया था इन्फिनिटी पुट करने पर हमें क्या मिलेगा, 0. तो पहले मैं ए आई माइनस एस आउटसाइड ले लेता हूँ, इन्फिनिटी पुट करेंगे किसकी जगह, यहाँ पर दोस्तों टी भी है. ओके, तो टी की जगह इन्फिनिटी पुट करेंगे तो इन्फिनिटी इंटू ए आई माइनस एस, अज्यूमिंग ए आई माइनस एस इज नेगेटिव, तो ई रेस टू माइनस यहाँ पर टी की जगह इन्फिनिटी पुट करेंगे, टी की जगह इन्फिनिटी जब पुट करेंगे तो ई रेस टू माइनस इन्फिनिटी क्या होगा, 0 होगा. आई एम अज्यूमिंग दैट ए आई माइनस एस इज नेगेटिव, देन ओनली लिमिट विल सॉरी दिस लैपलास ट्रांसफॉर्म विल एग्जिस्ट. दोस्तों जब हम लोग 0 पुट करेंगे तो ई रेस टू हमें मिलेगा 0 जो होता है 1. सो नाउ दिस इज इक्वल टू हमें मिलेगा 0 माइनस 1 माइनस 1, तो ये फ्लिप हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन एस माइनस ए आई, समझे, क्योंकि न्यूमिनेटर में माइनस वन जो होगा वो डिनोमिनेटर को उल्टा कर देगा, यानी एस माइनस ए आई हो जाएगा. तो फाइनली हमें जो आंसर मिलेगा, एक काम करता हूँ मैं इसे रफ कर देता हूँ. तो दोस्तों अब हमें जो आंसर मिला है वो है 1 अपॉन एस माइनस ए आई, करेक्ट. तो मैं क्या करूँगा, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, एस प्लस ए आई डिवाइडेड बाय एस प्लस ए आई. ओके, सो नाउ दिस इज इक्वल टू s प्लस ए आई डिवाइडेड बाय s माइनस ए आई इंटू एस प्लस ए आई. क्या होगा, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट की अगर आपको प्रॉपर्टी याद हो, इसका आंसर होगा दोस्तों a प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसी फॉर्मले का यूज करूंगा तो आंसर मिलेगा s स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. नाउ आई विल सेपरेट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, यानी ये डिनोमिनेटर s को दे देते हैं तो हमें मिलेगा s अपॉन s स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. ओके, देन ये डिनोमिनेटर ए आई को देंगे, आई बाहर ले लेते हैं, ब्रैकेट में मिलेगा ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. फ्रेंड्स बोथ साइड अगर हम लोग कंपेयर करें रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, पूरा कॉन्सेंट्रेट होकर देखिएगा,
ये रियल पार्ट है, यहाँ पर देखिए आई है, तो ये जो रियल पार्ट है राइट हैंड साइड के रियल पार्ट के इक्वल होगा, इसलिए मैं कह सकता हूँ लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस ए टी इज इक्वल टू एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ओके, एंड देन लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ए टी इक्वल्स टू ये इमेजिनरी पार्ट यानी ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। तो एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बेस दोनों में सेम है, बस कॉस के टर्म में ऊपर एस आता है, साइन में ऊपर ए आता है, याद कैसे करोगे, कॉस के एंड में एस है तो यहाँ पर एस से स्टार्ट होगा, ठीक है, इस तरह याद कर सकते हो आप, न्यूमरेटर में एस होगा। तो दोस्तों ये थे कॉस ए टी एंड साइन ए टी के लैपलेस ट्रांसफॉर्म, आई थिंक आपने इसे समझा, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट कंपेयर करना था। अगर आपको ऐसे नहीं समझा होगा तो आप यहाँ पर एफ टी की जगह साइन ए टी एंड कॉस ए टी इंडिविजुअली पुट करके भी कर सकते हैं, वो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, मैंने आपको इजी तरीका बताया। आइए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम हाइपरबोलिक साइन एंड हाइपरबोलिक कोसाइन के लैपलेस ट्रांसफॉर्म को देखते हैं।